ये वीडियो केवल एजुकेशन देने के लिए है। नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुमिटोमो कंपनी के मियोथ्रिन इंसेक्टिसाइड और एक्रीसाइड के बारे में। ये एक साथ दो काम करता है, ये मकड़ियों को भी कंट्रोल करता है प्लस कीट को भी कंट्रोल करता है। इसमें पाया जाने वाला टेक्निकल फेनप्रोपराथिन 30% ईसी एक अत्यधिक व्यापक प्रभावी स्पेक्ट्रम पायरेथेराइड कीटनाशक है। फेनप्रोपराथिन 30% ईसी यह एक ऐसा कीटनाशक है जो विभिन्न प्रकार के कीटों को जैसे कि रस चूसने वाला कीट, चबाने वाला कीट बेहतरीन रूप से रोकथाम करता है। इसके कार्य विधि की बात करें तो मतलब ये किस प्रकार से कीटों को कंट्रोल करता है तो बता दें किसान भाइयों, ये तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना करके जो सोडियम चैन होते हैं कीटों के, उसे ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। ये कीटनाशक कीटों के संपर्क में आते ही काम करना चालू कर देता है तथा कीटों के पेट में जाकर कीटों को मारने का काम भी करता है। इस कीटनाशक को किसान भाई कौन कौन से फसल में कीट को नियंत्रण करने के लिए डाल सकते हैं तो बता दें किसान भाइयों, इसका स्प्रे हम बैगन और भिंडी की फसल में फ्रूट बोरर, माइट्स तथा व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हैं तथा मिर्च की फसल में थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई तथा माइट्स को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हैं और कपास की फसल में गुलाबी सुंडी, अमेरिकन सुंडी तथा व्हाइट फ्लाई। चाय की फसल में माइट्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है तथा धान की फसल में लीफ फोल्डर जिसे हम पत्ता लपेट भी कहते हैं। इन सभी कीटों को सुमिटोमो कंपनी का मियोथ्रिन कीटनाशक अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। साथ ही ये कीटनाशक मकड़ियों को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर लेता है। ये कीटनाशक की एक और खासियत यह है किसान भाइयों, कम में बम है, मतलब इसका प्राइस कम है, वही करीबन 1 लीटर का 1200 के आसपास मिल जाता है जो कि 3 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सीधा सटीक नॉलेज मिला हो तो बिल्कुल एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से हेल्पफुल कंटेंट समय समय पर मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों।